अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर एंड वेलकम टू नोड जेएस विद मोंगो डीबी कोर्स। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप डेटाबेस में मौजूद डाटा को अपडेट कर सकते हो। लास्ट वीडियो थी, उसमें मैंने आपको इंसर्ट करना, फाइंड करना, फाइंड मतलब रीड करना, और अब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आप अपडेट कर सकते हो। और इसमें हम दो जो है ना वैल्यू इसमें देते हैं, एक में हम डाटा को सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी हमने वैल्यू को अपडेट करना है और किस वैल्यू के साथ अपडेट करना है। तो इसके लिए मैं दो क्वेरीज लिखूंगा। सबसे पहले यहाँ मैं लिखूंगा वेरिएबल और इसको मैं नाम दूंगा माई क्वेरी, और यहाँ पे मैं आगे इसका लिखूंगा नेम। तो मुझे कौन सी क्वेरी चाहिए, नेम एक, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स नेम, और जिसमें नेम हमारे पास मौजूद हो बाबर। तो बाबर जो नेम है उसको मैं चेंज करवाने जा रहा हूँ, और किसके साथ, यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल लूँगा और इसको मैं नाम लूँगा न्यू वैल्यू, और इसको मैं यहाँ पे डॉलर और डॉलर साइन सेट डबल कॉलन, और डबल कॉलन के बाद मैं यहाँ पे जहाँ पे जो नेम बाबर है इसको मैं चेंज करवा दूँगा बाबर अली से, बाबर अली से। और इसका जो एड्रेस है, मैं एड्रेस एक दफ़ा स्पेलिंग देख लूँ, ADRES एड्रेस, और जो एड्रेस पहले हमारे पास मेरा लिखा हुआ है पाक, तो अब मैं इसका जो है वो चेंज कर दूंगा पाकिस्तान, फुल नेम जो है मैं इसका चेंज कर दूंगा, तो यहाँ मैं लिखूंगा पाकिस्तान। और यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे dbo.collections, किस कलेक्शन के अंदर है, कलेक्शन हमारे पास है कस्टमर्स, तो इसका नाम यहाँ से मैं करूँगा कॉपी कस्टमर्स, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे डबल कॉलन, और यहाँ पे हम डॉट अपडेट। अब अपडेट वन, हम एक डॉक्यूमेंट को अपडेट करने जा रहे हैं, यहाँ पे लिखूँगा अपडेट वन। तो सबसे पहले माई क्वेरी, किसको अपडेट करना है, किसके साथ अपडेट करना है, न्यू वैल्यू के साथ, न्यू वैल्यू। और इसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन जो रन करवाएंगे, डॉट कॉमा कर्ली ब्रैकेट, सबसे पहले एरर और उसके बाद रिस्पॉन्स, और यहाँ पे हम सबसे पहले एरर जो थॉरो कराएंगे, तो इस लाइन को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे नीचे, और जो लॉग है कंसोल डॉट लॉग, इसमें हमारे पास हो जाए अपडेटेड, सेव किया, और यहाँ पे हमारे पास आ गया अपडेटेड। और डाटाबेस में चेक करेंगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, यहाँ पे हमारे पास बाबर आ रहा है और पाक आ रहा है, इसको मैं जैसे करूँगा रीलोड, तो यह हो गया हमारे पास बाबर अली, और ये हमारे पास हो गया पाकिस्तान, हमारे पास पाक टू हो गया पाकिस्तान। इस तरह से हम एक डाटा जो है उसको हम अपडेट कर सकते हैं। अगर हमने सिर्फ किसी स्पेसिफिक फील्ड को अपडेट करना है, अब यहाँ पर पाकिस्तान लिखा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जो एड्रेस है, कि यहाँ पे एड्रेस लिखो पाकिस्तान यहाँ पे, और इस पूरी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मैं टारगेट करता हूँ यहाँ पे। अगर एड्रेस हो पाकिस्तान, तो वहाँ पे उसका जो एड्रेस है वो क्या कर दो, पाकिस्तान की बजाय कर दो माई पाकिस्तान, और इसको करेंगे सेव, तो यहाँ पे अपडेटेड आया। और इसको यहाँ पे करेंगे रीलोड, तो ये देखें सिर्फ जहाँ पे पाकिस्तान था उसका नाम हमने चेंज कर दिया माई पाकिस्तान, और बाबर अली सेम का सेम है। तो अब इसमें आपको पता चल गया कि अगर हमने एक नाम को सिलेक्ट करके उसके सारा डाटा चेंज करना है, वो भी हम इस तरह से करवा सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक डाटा को सिलेक्ट करके उसको चेंज करवाना है, तो वो भी हम करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो ओनली स्पेसिफिक, अब हमारे पास ओनली स्पेसिफिक फील्ड भी हो गया, उसके बाद हो गया हमारे पास आता अपडेट मैनी, किस तरह से हम ज़्यादा डाटा को अपडेट कर सकते हो कर सकते हैं। तो इसमें भी हम यहाँ पे जो है वो वैल्यू सेट करेंगे, तो यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ जो माई क्वेरी है, इसमें जो नेम है, जो भी नेम हमारे पास स्टार्ट होगा ए से, यहाँ पे मैं एक लगा दूँगा कंडीशन, कंडीशन इसमें क्या लगाऊँगा कि यहाँ पे ये इस ये साइन, और उसके बाद हम यहाँ पे इसमें लगाएंगे ए, कि जो भी हमारे पास नेम जो है वो स्टार्ट हो रहा है ए से, वो हमारा जो है वो चेंज कर दो यहाँ पे नेम उसका, यहाँ पे कर दो कर देते हैं हम जेड जेड, और इसको करेंगे सेव, और यहाँ पे अपडेटेड आ गया। और यहाँ पे जो भी ए के साथ स्टार्ट हो, अली स्टार्ट हो रहा है, एमन स्टार्ट हो रहा है, और इसको करेंगे रीलोड, तो ये हमारे पास जेड जेड आ गया, ये भी हमारे पास आ गया किधर गया, ये हमारे पास जेड आ गया ये,
अच्छा, इसमें हमने किया यहाँ पे अपडेट वन, तो यहाँ पे मैं करूँगा अपडेट मैनी। पहले हमारे पास अपडेट वन था, इस वजह से एक उसने किया, अब मैं कर रहा हूँ अपडेट मैनी, तो जितने भी थे ए वाले वो सारे हो जाएंगे जेड जेड। तो ये हमारा ये भी जेड जेड हो गया, ये भी जेड जेड हो गया, और यही थे तो ये सारे जेड जेड हो गए। तो इस तरह से आप जो मल्टीपल जो आइटम्स हैं उनकी वैल्यूज़ को भी आप चेंज करवा सकते हो। तो इसमें आप यहाँ पे और भी कंडीशन लगा सकते हो, बी के साथ करवाना चाहो, सी के साथ करवाना चाहो, ये आप एड्रेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो और नेम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा जितने भी आपके बाकी फील्ड्स होंगी आपका, में जब आप कंप्लीट फॉर्म बनाओगे वो सारे आप इसके ऊपर फिल्टर लगा सकोगे। तो मेन इसमें जो आपको बताने का मकसद था कि किस तरह से आप एक सिंगल डाटा को अपडेट कर सकते हो और किस तरह से आप मल्टीपल डाटा को अपडेट कर सकते हो। तो अब आपकी अपडेट क्वेरी भी होगी, अब आपकी जो है वो इंसर्ट रीड और अपडेट होगी, अब आपकी एक रहेगी वो रहेगी डिलीट। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करते हैं।